Hi students, this is Pranendu. I am representing here Banik, and we are dealing with some cases which are very difficult, but I don't say that those are difficult. These are actually tricky. So one of the conditions that comes in the topic, that is order and ranking, and the concept that many of the persons are getting in the doubt, that how this is be possible and how this will be managed. And the conditions is the concept of interchange of the position in a line. To make comfortable to it everyone, I am choosing the Hindi language to make you understand each and every bit of the concept frequently. Okay, clear? We are going for the conditions. So whenever I have the condition of interchange of the position, जब हमारे पास कोई interchange का position होता है तो question किस तरह से आता है ये हमें पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर position interchange वाला question दी गई है. तो देखिए question इस तरह से आता है. In a row, the position of एक person का नाम दिया गया है राम, जिसका पोजीशन मेंशन है कितना 20, कहां से? लेफ्ट हैंड से. और एक दूसरा पर्सन है जो है सीता, इसका पोजीशन है 15, कहां से? राइट हैंड से. तो यानी कि जो इनिशियली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, दो लोगों की दो तरह से पोजीशन दी गई है दोनों साइड से, एक दी गई है लेफ्ट से और दूसरी दी गई है राइट से. ठीक है, अगर मैं यहां पर नोट आउट कर लूं तो यहां पर मैं क्या लिख लूं कि राम का पोजिशन लेफ्ट हैंड से कितना है 20 है, और सीता का पोजीशन लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से दी गई है, राइट हैंड से कितना है 15 है. ठीक है, इसके बाद क्या मेंशन की गई है यहां पर देखिए, व्हेन दे इंटरचेंजेस देयर पोजीशन, जब दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज करने लग गए तब क्या बना, राम बिकेम 34th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि ये वाला तो इनका पहला पोजिशन था, उसके बाद जब वो इंटरचेंज किए यानी कि यहां पर इंटरचेंज हुआ तो क्या बन गया, ये जो राम का पोजीशन था ना ये मेरा लेफ्ट से 34. क्लियर, ये वाला एक क्वेश्चन होता है जहां पर फिर से पूछा गया है कि सीता का पोजीशन आप राइट से निकालो, कहां से निकालो, सीता का पोजीशन राइट से, ये है हमारा एक तरह का क्वेश्चन. और दूसरे तरह का क्वेश्चन यहां पर मेंशन हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले आपको यह बताता हूं उसके बाद हम आंसर कर लेंगे. ठीक है, यहां पर क्या मेंशन की गई है, वही मेंशन किया गया है कि राम का पोजीशन कितना है 20 थे, कहां से, लेफ्ट हैंड से, यानी कि ये जो हमारा राम है इसका पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितना आ रहा है 20. उसके बाद क्या लिखा गया है, सीता का पोजीशन 15 है, कहां से, राइट हैंड से. सो सीता का पोजीशन राइट हैंड से मेरा कितना आ रहा है 15. क्लियर, यहां पर भी वही दोनों डाटा दी गई थी, यहां पर भी सेम टू सेम है, डिफरेंस कहां पर हो रही है ये देखिए, यहां पर क्या मेंशन किया गया, When they interchanged, then the position of Ram became 14th from left. यानी कि अब राम का पोजीशन क्या बना, लेफ्ट से 14 बन गया. ठीक है, अब राम का पोजीशन क्या बनता है 14 बन जाता है. अब यहां पर फोकस करिए, क्वेश्चन में दी गई है क्या और मुझे निकालना है क्या. दोनों की दोनों में पूछा गया है कि सीता की पोजीशन आप बताइए, कहां से बताइए, राइट से बताइए. ठीक है, पहला चीज यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे जो पोजीशन इनिशियली था यहां पर भी वो पोजीशन इनिशियली है, चेंज हुआ कहां पर है, जब इंटरचेंज हुआ यहां पर राम का पोजीशन 20 था, अब ये 34 बन गया. ठीक है, यहां पर राम का पोजीशन 20 था लेकिन यहां पर घटके 14 बन गया, यानी कि एक चीज समझिए, ये मेरा एक लाइन है, यहां पर पोजीशन है राम का, पकड़ लीजिए ये है मेरा राम. ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, राम का पोजीशन कितना है 20 है. ठीक है, राम का पोजीशन 20 से हुआ क्या 34, यानी कि मैं इधर से आ रहा था यहां पर आया 20, अगर 34 में हूंगा तो डेफिनेटली आगे चला गया हूं या फिर नहीं, यानी कि मैं पीछे था 20 में, चला कहां 34 में, यानी कि आगे, यानी कि अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसे आएगा, इनिशियली राम का पोजीशन यहां था जो कि था मेरे लिए 20, अब जो कंडीशन हो रहा है वो यहां पर कहीं पे आ रहा है जो कि मुझे बना रहा है 34, यानी कि ये जो पोजीशन राम इंटरचेंज करके जा रहा है ये पोजीशन इनिशियली किसका होना चाहिए, ये वाला सीता का था. समझ गए, समझे या फिर नहीं, तो कैसे मुझे पता चला कि सीता राम से आगे बैठा हुआ है, क्योंकि राम का पोजीशन 20 था, इंटरचेंज के बाद राम का पोजीशन कितना बन रहा है 34, यानी कि राम अगर 20 से 34 तक जा रहा है यानी कि आगे तो जा रहा है ना, आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि वो जगह किसका था, सीता का था. ठीक है, अब इस वाले प्रॉब्लम में देखिए, यहां पर कंडीशन क्या की गई है,
वही वाला सेम कंडीशन क्या पुट किया गया है कि यहां पर यानी कि राम थे जिनके पोजीशन थे 20, कहां से 20 यानी कि ये लेफ्ट से 20, ठीक है। तो पकड़ लीजिए ये वाला कंडीशन था, ये था 20। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, उनका रैंक अब घट के 14 हो गया, यानी कि पहले यहां से 20 थे अब 14 हो गए, यानी कि वो आगे गए या फिर पीछे सरक गए, वो पीछे ही सरक गए, यानी कि यहां पर 20 थे यहां से चले गए तो कितना आ गया 14, यानी कि राम का पोजीशन ओरिजिनली यहां था, इंटरचेंज के बाद यहां आ गया, जो वाला पोजीशन कितना शो करता है 14 शो करता है या फिर नहीं। अगर ये वाला पोजीशन राम यहां पर आते हैं तो क्यों आते हैं, क्योंकि ये पोजीशन इनिशियली किसका होगा, सीता का होगा, समझ गए। यही है चीज जो कि इंटरचेंज में हमको समझना है, यानी कि जो दो लोगों के बात की गई है इनका पोजीशन कैसा रहेगा लाइन के ऊपर, कौन किसके आगे है और कौन किसके पीछे है, बस ये बात समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, एडिशन बनाओ या फिर सब्सट्रैक्शन बनाओ और आंसर निकालो। इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है, लाइन का अरेंजमेंट, कि राम के आगे सीता बैठी हुई थी या फिर राम के पीछे सीता बैठी हुई थी, ये बात हमें कहां से पता चलता है, इंटरचेंज के बाद। अगर इंटरचेंज में किसी भी पर्सन का रैंकिंग इंक्रीज करता है, यानी कि वो जो दूसरा वाला पर्सन है वो उसके आगे बैठी हुई है, ठीक है। अगर इंटरचेंज में किसका पोजीशन यहां पर घट रहा है, यानी कि वो जो दूसरा वाला पर्सन है ना वो उसके पीछे बैठी हुई है, समझ गए। अब मुझे क्या दी गई है, अब मुझे इंफॉर्मेशन को बस ड्रॉ कर लेना है। मेरे को राम पता था 20, तो ये राम कितना पता था 20, तो यहां पर आ गया राम 20। यहां पता था सीता राइट से 15, ये वाला सीता है, यानी तो ये राइट से कितना हुआ है 15 या फिर नहीं, ये मेरा पोर्शन है किसके, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब दूसरे के लिए क्या पता है, राम का पोजीशन राइट से कितना है, सॉरी लेफ्ट से कितना है 20। इसके बाद सीता का पोजीशन राइट से कितना दी गई है 15, यानी कि ये अगर सीता का पोजीशन है तो ये राइट से कितना है मेरा 15। अब मुझे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सीता फ्रॉम राइट एंड इन द न्यू अरेंजमेंट। अब बताइए ये जो अरेंजमेंट है ये न्यू अरेंजमेंट है या फिर वो जो ओल्ड अरेंजमेंट है। डेफिनेटली राम का पोजीशन अगर 20 बता रहा है, सीता का पोजीशन राइट से 15 बता रहा है, तो ये तो मेरा ओल्ड अरेंजमेंट होगा ना। तब आप बोलोगे सर यहां तो राम आपने यहां पर तो 34 बना दिए, लेकिन यहां पर जो 34 बनाया किसका बनाया, क्वेश्चन दी गई थी राम का होगा, लेकिन मैं लिखा कहां पर हूं सीता में, यानी कि ये प्रीवियस वाला है। अगर ये वाला चेंज होगा तो क्या बनेगा, ये चेंज होगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, बस सीता इधर आएगा राम इधर आएगा, वो मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे बस चाहिए क्या इसमें फोकस करना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सीता का पोजीशन राइट से न्यू अरेंजमेंट में, तो मुझे बताना अब चाहिए कि सीता न्यू अरेंजमेंट में होगी कहां पर। सीता न्यू अरेंजमेंट में इस जगह पर होगी, कौन सी जगह पर होगी, इस जगह पर जो कि पहला राम का था। अब क्या क्वेश्चन पूछी गई है कि सीता का पोजीशन राइट से बताओ, यानी कि ये वाला पोजीशन राइट से कितना होगा। अब मुझे यहां पर पता है कि एक पोजीशन का वैल्यू लेफ्ट से 34 है राइट से 15 है, ये वही उसी लाइन पे बैठा हुआ और एक आदमी है जिसका एक तरफ से पोजीशन 20 है और दूसरे तरफ मुझे पूछा गया है, यानी कि अब अगर मैं इन दोनों की आड़ कर लूं जो भी इनका पोजीशन है और इन दोनों को भी आड़ कर लूं, दोनों के दोनों इक्वल आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक ही लाइन पर है। अगर हम लोग टोटल की बात करते हैं, तो टोटल कैसे मिला जाता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, इधर भी लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल, और वो दोनों के दोनों टोटल एक ही आएंगे ना, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है, यानी कि इसका लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू इसका लेफ्ट प्लस राइट। सो अब मुझे आंसर अगर निकालना चाहिए कि सीता का पोजीशन राइट से कितना है न्यू अरेंजमेंट में, तो मुझे क्या चाहिए, 15 प्लस 34 देन माइनस कितना 20, यानी कि 15 प्लस 14 29, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उस लाइन का वो कितना बन रहा है 29, ठीक है, समझ गए। ये है एक तरह का क्वेश्चन, और ये रहा हमारा दूसरा, वही सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि सीता का पोजीशन राइट एंड से कितना है, लेकिन इंटरचेंज के बाद। ये वाला हम जो बनाए ये क्या बनाए हम, ये इंटरचेंज का पहले का, यानी कि सीता का पोजीशन अब कहां पर होगा, यहां पर होगा या फिर नहीं, अब मुझे चाहिए सीता का पोजीशन राइट से कितना है, बस वही वाला चीज अप्लाई कर लीजिए। यहां पर दोनों के दोनों जगह का मुझे वैल्यू पता है, एक है राइट से 15 और लेफ्ट से कितना 14, ये वाला मुझे पता है कि ये वाला लेफ्ट से है 20, राइट से मुझे निकालना है। तो अब पूछा गया है कि सीता का पोजीशन राइट से कितना होगा, तो अब देखिए ये सीता यहां पर आए राइट से कितना, तो ये वाला कितना है 15, ये है 14, यानी कि 15 प्लस 14
-20। तो आंसर मुझे कितना निकल कर आ रहा है? 9। यानी कि सीता का पोजीशन अप राइट से कितना है? 9। इस वाला क्वेश्चन में आंसर मेरा कितना आया? 29। ये वाले क्वेश्चन में मेरा आंसर कितना आता है? 9। तो हमें यहां पर एक चीज पे गौर करना है कि क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो तो हो जाएगा। आपको पहले चाहिए एक इन दोनों का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, कौन किसके बाद बैठा है, कौन किससे पहले। समझ गए या फिर नहीं? अगर नहीं समझ सके तो ये वीडियो को और एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह डील की जाती है। और वो जो आपका कंफ्यूजन है कि इंटरचेंज ऑफ पोजीशन कैसे होता है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस कुछ फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस आपको एक फंडामेंटल चाहिए कि इन लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट था कैसे, उसके बाद बना कैसे। ठीक है, तो ये है वो जो टॉपिक जो हम चाह रहे थे आपको बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ द वीडियोज। और हम यहाँ पर बाणिक में हमारा पोस्टल कोर्सेज भी दी जाती है, इवन दो हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी लगाए रखते हैं। ये जो पैंडेमिक में आप अगर चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। बाणिक में हर तरह का कोचिंग का हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड आउट की जाती है, यानी कि कोई टाइप की कोचिंग हो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। वी आर हेल्पिंग यू इन 24 आवर। सो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।